अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। आज हम बनाएंगे फ्रूट कस्टर्ड। फ्रूट कस्टर्ड बनाने के लिए मैंने लिया है पिल्सबरी का कस्टर्ड पाउडर। ये वनीला फ्लेवर में है, आप कोई भी फ्लेवर यूज़ कर सकते हैं। मेरे पास वनीला फ्लेवर में था तो मैं यही यूज़ कर रही हूँ। इसके 2 टेबल स्पून ऑफ मैं लिए थे मैंने कस्टर्ड पाउडर के, और उसको मैंने 4 टेबल स्पून मिल्क में अच्छे से मिक्स करके रख लिया। उसके साथ ही मैंने लिया है 1/4 कप ऑफ शुगर, और 8 से 10 मैंने इलायची दाने लिए हैं। आप इलायची पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं। उसके साथ मैंने 1 एप्पल को मैंने कट किया था, और पानी में मैंने लेमन जूस डालकर उसे रख दिया ताकि उसका कलर ख़राब ना हो। और साथ में लिए हैं पोमेग्रेनेट। आप अपने टेस्ट के अनुसार या जो भी आपको फ्रूट पसंद है, आप कोई भी फ्रूट इसमें यूज़ कर सकते हैं। ये मैं 500 मिली मिल्क से बना रही हूँ, और मैंने दूध को गैस पर रख दिया है बॉईल होने के लिए। इसे हम 3 से 4 मिनट के लिए बॉईल करेंगे। इसमें मैंने ऐड कर दिए थे जो मैंने इलायची दाने लिए हैं, वो मैंने इसमें ऐड कर दिए हैं। 3 से 4 मिनट में एक उबाल आ जाएगा दूध में। उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे कस्टर्ड पाउडर जो हमने दूध में अलग से मिक्स करके रखा हुआ था, वो इसमें हम मिक्स कर देंगे। उसके बाद हम इसे 5 से 6 मिनट के लिए इसे हम अच्छे से बनाएंगे, और इसे मिक्स करते रहेंगे बीच बीच में ताकि ये लग ना जाए। और ये 5 से 6 मिनट में रेडी हो जाता है, या फिर गाढ़ा होने तक आप इसे बनाइए। ये रेडी हो चुका है। इसके बाद मैंने इसे फ़ैन के नीचे रख के ठंडा कर दिया था। उसके बाद मैंने इसे फ्रीज़र में रखा है 1 घंटे के लिए। अगर आप फ्रिज में रखते हैं तो आप 3 से 4 घंटे लगेंगे इसे ठंडा होने के लिए। मुझे जल्दी थी तो मैंने इसे फ्रीज़र में रख दिया था 1 आवर के लिए। अब मैंने इसको बाहर निकाल लिया है, ये अच्छे से चिल हो चुका है। उसके बाद मैंने इसमें ऐड कर दिए हैं फ्रूट्स, जो मैंने फ्रूट्स लिए थे वो मैंने सब इसमें ऐड कर दिए। आप चाहें तो इसमें ड्राई फ्रूट्स भी ऐड कर सकते हैं, ये ऑप्शनल हैं। मेरे जो बच्चे हैं वो पसंद नहीं करते हैं ड्राई फ्रूट्स कस्टर्ड में, तो इसलिए मैंने ड्राई फ्रूट्स ऐड नहीं किए हैं। आप इसमें बनाना, ग्रेप्स, कोई भी फ्रूट आप इसमें ऐड कर सकते हैं। मैंगो भी ऐड कर सकते हैं आप इसमें। और अब मैं इसे सर्विंग बाउल में ट्रांसफ़र कर रही हूँ। उसे कस्टर्ड इतना अच्छा दिखता है कि उसे ज़रूरत नहीं होती है डेकोरेशन की, लेकिन फिर भी मैंने इसे पोमेग्रेनेट से सर्व कर दिया है। आई होप आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।